जी फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 6:30 और अभी मैंने जाके एडिटिंग कंप्लीट की है। मतलब अभी जाके एडिटिंग, इतने सारे फुटेजेस थे कल का वीडियो फॉर्च्यूनर डार्क एडिशन, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखो और कमेंट करके बताओगे कैसी लगी है डार्क एडिशन। बाकी एक ग्लिम्स इसमें देख लो भाई। भाई साहब मैं सीरियसली बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं अभी सोऊं। मेरा ऐसा मन कर रहा है ना इसको लेके कहीं निकल जाऊं यार। अभी इसको अपलोड करेंगे, फिर स्केड्यूल करेंगे, थंबनेल बनाएंगे और 7:30-8 बजे तक सोने जाएंगे। मतलब आज के वीडियो में एक्चुअली मुझे, मतलब जो आपने देख लिया उसमें मुझे एक्चुअली बहुत टाइम लगा एडिट करने में। तो सुबह सुबह कैसे उठ जाती है स्कूबी? ओए स्कूबी, सुबह सुबह कैसे उठ जाती है? हाँ ओ भाई, मैं गाड़ी के छत पे देखने आया। देखो यार, थोड़ा थोड़ा ना वो जो गिरा था ना वो यहाँ पे दिख रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है भाई। आई होप भैया इसको साफ कर दे यार, सीमेंट गिरा दिया यार, बताओ क्या बेवकूफ़ आदमी था। और इसको देख के मेरे को ख़राब लग रहा है भाई साहब, क्या चमक रही है ना। मतलब रात में आते आते डस्ट हो गया था पूरा, तब भी क्या चमक रही है भाई गाड़ी। सुबह सुबह बेचारी थार बार खड़ी है, इसको अंदर खड़ी कर दूंगा। भैया आप माइक्रोफाइबर क्लोथ सही है या दूसरा दूँ? दूसरा दे दूँ? दूसरा मंगवा लूँगा ना, ठीक है, वो नीचे ही रख दूँगा। और थार को एक बार ना अंदर से साफ़ कर देना भैया, मैं लगा दूँगा अंदर ना, आज नहीं 2-3 दिन बाद में कर देना ना, अंदर से गंदी होगी ना, ठीक है। और इसको हल्के हाथ से पोछना भैया, ठीक है। इधर आ स्कूप्स, इधर आ, इधर आ। तुझे पता है तू मेरे को तंग कर रही है ना, मैं सो नहीं पाया। हाँ एक तो मेरे को एक्साइटमेंट भी ज्यादा है। चलेगी क्या सुनना? ओ भाई क्या खतरनाक लग रही है यार, दिन में पहली बार देख रहा हूँ। मतलब ऊपर से मैंने देखा, उसके नीचे नहीं उतरा, क्या खतरनाक लग रही है यार। द रेड एक्सेंट, द रेड कैलिपर, द रेड टेल लाइट्स, एकदम परफेक्ट मैचिंग यार। मतलब एक फ्रेम में देखो ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा, मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था वीडियो एडिट करके, तो मैं फिर सो गया था, 10:30 बजे सोया। पीछे लोग कह रहे थे इसको भी रेड करा दो, इसको रेड करा दो, और फिर कह रहे थे कि ये वाला जो पार्ट है आगे जो टोयोटा का लोगो है इसको रेड करा दो और इसके ऊपर फॉर्च्यूनर रेड से लिखवा दो। बट सीरियसली यार मेरे को वो, देखो हर एक का इंडिविजुअल का अलग अलग टेस्ट है, आपका वो टेस्ट है, मेरा वो अलग टेस्ट है। तो मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने इसको रेडी करवाई और जो मेरे को लग रही है ना, मतलब मेरे टेस्ट के हिसाब से, देखो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग प्रेफरेंसेज होता है, तो वो बहुत ही अमेजिंग लग रही है यहाँ। अच्छा कुछ ना कुछ तो लगता रहता है। चलो PPF हो जाने से, देखो भाई एकदम चमक रहा हूँ ना मैं। हाँ अब तो कैमरा अपनी तरफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भैया अभी रेडी होके अपन निकल रहे हैं कहाँ, साइबर सिटी। तो अपना एक लंच का प्लान है और अपना एक रीयूनियन है एक्चुअली, तो उस रीयूनियन के लिए जा रहे हैं। बट उससे पहले ना थार से कुछ सामान निकालना है, बिकॉज सारा सामान थार में है। थार थी ना अपने पास, तो अब इससे ना वो सामान निकाल लेते हैं भाई। बस यही 2-4 चीज़ें थी जो निकालनी थी, बाकी तो धीरे धीरे करके गाड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहूँगा मैं। अब इसको बंद करो और इस गाड़ी को निकालो और थार को भी लॉक करो, क्योंकि उसको हमने लॉक नहीं किया था। अरे यार लॉक हुई कि नहीं? इसको आते वक्त ना अंदर कर देंगे, क्योंकि अब तो ये अंदर ही पाक रहेगी ना। इससे चलो जी साइबर सिटी, भोकाल, फुल भोकाल, हाँ जबरदस्त, हाँ गजब लगता है यार इसमें बैठने में ना। और प्लीज़ कमेंट करके बताना, वैसे तो आप लोगों के लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स थे, बट फिर कमेंट करके बताना कि दिन के टाइम पे कैसे लग रही है। मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, आप मेरे को बताना कि एग्जैक्टली दिन के टाइम पे कैसी है। भाई गौ माता हट जाओ, नहीं सॉरी भैंस है, चलो कोई बात नहीं, नहीं गाय थी। ठंडा ठंडा दे देना, ठीक है, ठंडा 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 ठंडा। मेरी आदत बन गई है ना कि गाड़ी में हमेशा पानी रखने की, हमेशा, और आज ये नहीं है ना तो मेरे को अजीब सा ही लग रहा था। मैंने कहा ले ही लो यार, आज अभिषेक भैया के पास भी जाना है, उनको भी गाड़ी दिखानी है, प्लस वहाँ पे ना पूजा पंडाल लगा है। तो अभिषेक भैया मेरे को 2-3 दिन से बोल रहे थे, बट मेरे को मौका ही नहीं मिल पा रहा था, तो आज उनके पास भी जाएंगे यार, और फिर घर जाके सो जाएंगे, फिर कहीं नहीं निकलेंगे, पूरे बस सोते रहेंगे, सोते रहेंगे। भाई पता नहीं आईफोन के साथ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा ना चलती रहती है। अभी इधर कर रहा था, अजीब सा ही आ रहा था कुछ, मतलब अजीब सा ISO या तो ऊपर से लाइट आ रहा था, इस वजह से कैमरा खुद से एडजस्ट कर रहा था। बट सीरियसली यार, मतलब 13, 14 सबके साथ ही प्रॉब्लम है, क्या कर देते यार साला सॉफ्टवेयर अपडेट में, इनका इंजीनियर्स काम नहीं कर रहे यार। टिम भैया निकालो,
नए वाले को लाओ, इंडियन से लेके जाओ, मतलब इंडिया से लेके जाओ। हाँ आओ यहाँ पे प्लेसमेंट में, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमटेक, ये सबसे बच्चे प्लेस करवाओ, भला होगा तुम्हारा। नहीं तो आईफोन चेंज करके ना कोई दूसरा ब्रांड आ जाएगा। एक समय नोकिया भी है तुम्हारे जैसा ही सोचता था। और जी एक और चीज जो मैं कल बताना भूल गया था, तो अभी इस गाड़ी का ना 15 दिन में रीस्टोरेशन होगा। रेक्टिफिकेशन इज द वर्ड। तो रेक्टिफिकेशन होगा। रेक्टिफिकेशन में बेसिकली जो भी अगर कुछ फ्लॉज है ना, अगर कोई बबल है, कहीं से पीपीएफ निकल रहा है, तो वो सारी चीजें चेक होंगी, मतलब बेसिकली सर्विसिंग होगा। तो अपन जब ट्रिप से आ जाएंगे तो ट्रिप भी कंप्लीट हो जाएगा अपना, इसका धुलवाना, सिरेमिक और सर्विसिंग, मतलब बेसिकली रेक्टिफिकेशन, वो वाला काम करवाना है। प्लस जो ड्रैगन पीपीएफ इसमें अप्लाई हुआ ना, जो ड्रैगन पीपीएफ आपने देखा होगा जहाँ पे मैंने शॉट लिए थे, तो ड्रैगन पीपीएफ डिटेलिंग डेविल्स का ही एक ब्रांड है। जैसे एक उनका कोटिंग वगैरह वाला ब्रांड था ना, तो वैसे ही ड्रैगन पीपीएफ भी ब्रांड है। तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत लोगों के ना सवाल आ रहे थे, मैं भी मैसेजेस डीएम्स देख रहा था कि भैया कौन सा पीपीएफ कराया, क्या कराया, और पैसे आपने बताए नहीं। अरे भैया पैसे बताए थे मैंने, आपने वीडियो स्किप किया। मैंने पैसे बताए थे, एग्जैक्ट बताया था कि भैया कितने एग्जैक्टली पैसे लगे पीपीएफ में, कितने पैसे लगे मेरे पेंट वर्क में। बट आई एम 101% सैटिस्फाइड यार, मतलब मेरे को ना सीरियसली कहीं भी कोई गिला शिकवा नहीं है। क्योंकि दिन के टाइम पे भी ना रिकॉर्ड करने के बाद मैंने बहुत देर देखा, एंड भाई साहब कतई जहर। सुबह ना भैया से खुद से एक एक डॉट साफ करवाया मैंने, भैया ये देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो करके। अच्छा इधर भी लग सकता है भैया। भाई साइबर अब तो पहुंच गए, अब यहाँ पे पार्किंग खोजना। वैसे तो आज ऑफिसर्स हैं, लेकिन सामने भी मेरे को गाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं भाई। भाई पार्किंग ही नहीं मिल रही अपने को, तो इतनी गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियाँ आ रही है मेरे से पहले लगा दे रही है। भाई किस्मत इतनी झंड है ना, कहाँ खोजे पार्किंग। और पहले तो मैं छाँव में खोजने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने कहा भैया पार्किंग ही मिल जाए तो बहुत है, छाँव वाँव छोड़ो। भाई ये देखो क्या जबरदस्त पार्किंग भाई, वैले पार्किंग टाइप का, फुल इज्जत भाई, फुल इज्जत। हाँ एकदम बैरिकेटिंग वैरिकेटिंग लग गया अपनी गाड़ी के आगे। किसी ज्ञानी ने बताया, ये जो सामने लड़के जा रहे ना, ये तीन लड़के, ये सारे बैंक वाले लड़के, ये मोटे कैसे भाई। भाई ये हमारा ना अमन राघव है ये। भाई मैंने लाइफ में ना इतने लोग देखे, इतने लोग, अमन जैसा कोई नहीं देखा नहीं यार भाई। तो अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई यहाँ बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। 50 रुपए में भैया पार्किंग सस्ती हो गई क्या? 3 घंटे तक 50 रुपए। अच्छा 3 घंटे तक 50, चलो सही है भाई। तो अपन निकल रहे हैं जी अब साइबर हब से। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत दिनों बाद सबसे मिले। वही पुरानी ऑफिस की गपशप, ऑफिस में क्या होता था, कौन अभी कहाँ है, बहुत सारी बातें की। तो कैमरा तो उस समय मैंने वहाँ पे उठाया नहीं। अब यहाँ से निकलते हैं सीधे पहले घर, क्योंकि मेरे को नहाना है, और उसके बाद विक्रम भाई को फ़ोन करेंगे। विक्रम भाई का फ़ोन आया था कि भाई गाड़ी दिखा दो, गाड़ी वीडियो में देखें क्या। मैंने कहा नहीं विक्रम भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले एक बार घर जाके नहाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ। तो अभी फिलहाल शर्ट वर्ट पहना ना, तो शर्ट वर्ट पहन के उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। ये जूते वूते ना, जो बूट्स वूट्स डाला है, वो चेंज करेंगे और अपना मस्त लोअर टी शर्ट में आएंगे, और फिर पंडाल जाएंगे। हाँ वहाँ पे जाके माता रानी को हेलो बोलेंगे। बड़े बड़े पत्थर डाल दिए भाई इसमें, तो बाइक वाइक वाला तो क्या ही होगा यार, अगर कोई देखा नहीं। इतने बड़े पत्थर कौन डालता है यार रोड बनाने के लिए, कौन सा तरीका है रोड बनाने का भाई। हाँ ये देखना, देखना जरा, गजब बदतमीजी है भाई, गजब बदतमीजी है। गड्ढे भरने के लिए और गड्ढे में ऐसा चीज कर दो कि साला गड्ढे से ज्यादा रिस्की हो जाए। भाई वहां से आने के बाद मैं तो थोड़ी देर सो गया था, अभी मैं सो गया, नहाया, फिर मैं तो सो के उठा, नहाया, और अभी विक्रम भाई आ रहे हैं। लाइट नहीं है, पता नहीं लाइट कट गई यार, है गुड़गांव, पता नहीं क्या ही हो रहा है यार, लाइट कट गई। बताओ, मैं तो ऊपर पता नहीं चलता ना, इन्वर्टर लगा रहता है तो, बट ऊपर से नीचे आया, मैंने कहा भैया इतना अंधेरा, एकदम सम्राज किल्विश का एकदम पूरा सम्राज हो गया ना। नहा गया, बाल झाड़ा है ना, हाँ लग तो नहीं रहा है, चलो ठीक है। हेलो विकास भाई। हेलो विक्रम भाई, मुझे नहीं पता इस वेरिएंट को कुछ अलग नाम देना पड़ेगा ना। हाँ ना, ये देखो रेड कितना ऐसे ना, जैसे लाइट ऑन करते कितना चमकता है ना, रेडियम क्या आता है। और सच बताऊं ये जो हो रखा है ना इसके ऊपर पीपीएफ जो भी हुआ है, नहीं पता जल्दी, बिल्कुल नहीं पता लग रहा, और शाइन इतनी गजब आ रही है, मतलब जब आप इसको नया लेके आए थे ना उससे भी ज्यादा चमक रहा है।
विक्रम भाई ने तुरंत अपना वो बताया हमें, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं ना इसको, हाँ प्रतिक्रिया कैसे दी। चलो सबसे पहले अभिषेक भैया के पास चलते हैं, अभिषेक भैया ने तो बहुत गाली दे रहे होंगे। भाई हमें आना है यहाँ, यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो अब देखते हैं गाड़ी लगाने की अपने को जगह मिलती है कहाँ पे, पैदल ही चलना पड़ेगा आज तो, थोड़ा आगे लगानी पड़ेगा सेफ पार्किंग में। हाँ मैं तो ऐसे भी एक जगह मुझे दिख रही थी लेकिन बहुत कंजे, मैंने कहा ना यहाँ से मैं तो लगा दूंगा, कोई दूसरा लगा के निकाल पाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। माता रानी की जय। चलो जी माता रानी की दर्शन भी हो गए हमने दोनों ने मस्त आराम से, ये तो अभी पसीना आ जाता है ना वहाँ पे, पर ठीक है टीके पे हाथ लग जाता है। हाँ टीके पे हाथ लग जाता है वो पसीना पोंछने के चक्कर में ना। हाँ। भाई मेरे को तो भूख लग गई थी तो यहाँ पे बैठ के ना समोसा चाट खाएंगे, अभी परम और अज्जू भाई आ रहे हैं, तक हमने कहा हम भकोस लेते हैं। हाँ मजा आ गया ना, फिर कॉफी पियेंगे। हाँ समोसा करके अपना सात्विक सा फील कर रहे हैं, सात्विक सा समोसा तू खाएगा, लंच कर लिया, डिनर कर, डिनर कर गया भाई ये बंदा ना, 9 बजे 8 बजे डिनर कर लेता है और फिर सो जाता है, फिर हम इसे कहते हैं ना कि तुम्हारी जिंदगी में नर्क हो जाए हमारी तरह, फिर हम इसे कॉफी बुला, फिर हम इसे बुलाते हैं और कॉफी रात को गाड़ी खोल। हाँ भैया गाड़ी भाई गाड़ी लॉक क्यों नहीं कर रखी, अच्छा बैटरी डाउन है, हमने तो ऐसे देखी खोला खुल गई, हम चेक कर रहे थे। हाँ हमने तो खुल गई, लेके कैसे जाएगा। नहीं नहीं ठीक है भैया आप हो तो कोई टेंशन ही नहीं, हाँ कि बैटरी ड्रेन तो लोग ही नहीं होती ये तो हर गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक जिसमें होगा चलो कर दे भाई सारे करके। हाँ चलो ओके भैया ध्यान रखना गाड़ी का। हाँ चलो जी हम तो ऐसे देखने आए थे, ग्रैंड विटारा दिख गई थी हमने देखा खोल के खुल गई, मैंने कहा ये सही है यार रात में कोई है नहीं खुल गई गाड़ी, नहीं ये बंद है ये बैटरी पूरी। हाँ भाई मारा जोगिंदर बन गया, बाउंडर ले आ तू, बाउंडर ले आ, बाउंडर आएगा, बाउंडर बाउंडर तो बुटवा रहा है ना, हम तो गाड़ी के पास ऐसे बैठ के ना गाड़ी निहार रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं सीधे चलते हैं घर, वहाँ से विक्रम भाई भी अपने घर, मैं भी अपने घर, सब लोग अपने घर, और उसके बाद हम घर पे जाके क्या करेंगे सो जाएंगे। हाँ नहीं काम करेंगे, थोड़ा सा काम बाकी है तो वो करके फिर सो जाएंगे, आज जल्दी सोएंगे, आज मस्त सोएंगे। क्या कर लिया, हाँ टीका लगाइए, हाँ कंजा के तू कंजक है। हाँ इधर चल, ओए इधर सुन तो सुन स्कूप्स। चलो गाइस करते इस वीडियो को यहीं पे खत्म, आई होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।